हाँ तो भाइयों, कैसे हो आप सब? गदर टू के बारे में बात करते हैं, अगले दिन के बारे में। देखो भाई, क्या है कि संडे तक इसका जो कलेक्शन है वो ऑफिशियली आ चुका है, और मुझे अच्छा लगा कि मेकर्स वगैरह जाग गए। 515 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन हुआ है, और मेकर्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनको अब OTT का कोई जल्दी नहीं है। देख के एक बात अच्छी लगी कि भाई अब ये लोग शायद जाग उठे हैं, क्योंकि मैंने जितना भी ट्विटर ये देखा ना, समहाउ कुछ लोगों ने भाई इनको टैग करके बहुत सुनाया था, और ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई इन लोगों ने उनकी सुनी। एंड उस मामले में मैं मेकर्स को धन्यवाद कहूँगा, लेकिन देखने को ये भी मिलेगा इन लोगों ने 1-पे-1 ऑफ़र अभी भी नहीं रखा है। भाई इतना इन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है बॉलीवुड से कि भाई इतना डर रहे ये लोग। अगर कर देते ना ऑफ़र तो 550 करोड़ इसको हिंदी में जाने का मौका था, और अभी तो नहीं है, पर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी भी ये मिनिमम 15 करोड़ जा सकती है, 530 करोड़ हाईएस्ट ग्रोसर हिंदी फिल्म ये बन सकती है। देखते हैं क्या होता है। अभी एट प्रेजेंट कल का जो अपडेट है वो 70 लाख से लेके 75 लाख का अपडेट है मेरे पास, यानी कि आप ये पकड़ के चलो 516.5 करोड़ से लेके 517 करोड़ तक ये मूवी जा रही है। देखो कितनी पास आ गई है यार। प्लीज़ इस मूवी को 2 वीक अगर आप चलने देते हो ना, अगर ये 28 तारीख तक चलती है ना, ये 530 करोड़ तो जाएगी भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पर ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक एनालिसिस है और ये एक्यूरेट एनालिसिस है। मैंने जो आपको बताया है कि जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया है ना, वो बहुत अच्छा था। 515 तक बचे कुछ 10 करोड़ है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ 15 करोड़ के पीछे लोगों, 10 करोड़ पे नहीं, अपने को बेंचमार्क सेट करना है। कम से कम 530 तो रखो यार। मैं तो चाहता था, अभी भी चाहता हूँ 550 जाए, पर ऐसा लग नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। 516.5 से लेके 517 करोड़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।